आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप सब पहले से जानती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले राशन में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं राशन खराब क्वालिटी का ऊपर से दे दिया जाता है वितरण करने के लिए, तो इस तरह की कमियां आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, मानक के अनुसार राशन नहीं मिलता, यानी लाभार्थी ज्यादा होते हैं लेकिन राशन विभाग ऊपर से कम भेजता देता है, जिसके चलते भी लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। और इन्हीं तमाम तरह की शिकायतें फिर धीरे धीरे करके ऊपर तक जाती हैं, और इन सब में पिस्ता कौन है, आंगनबाड़ी बहने, और यही बेचारी डिप्रेशन का शिकार होती हैं। तो ऐसे में आवाज को राहुल जी ने उठाया है, उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को खराब राशन किया जा रहा है वितरित, ये काशीपुर का मामला है। आइए यहां पर देखते हैं क्या मैटर है। जिलाधिकारी से इस बारे में कार्रवाई करने की मांग को भी उठाया गया है। बाल विकास परियोजना काशीपुर शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी में मिलने वाले राशन को, जो कि वहां पर थर्ड क्वालिटी का बांटा जा रहा है, उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी वर्करों के द्वारा गर्भवती व बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, अंडों में कीड़े वहां पर निकल रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा। खैर, यूपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो यह मैटर है काशीपुर का। अब देखिए, यहां पर यह भी है कि अगर शिकायत की जाती है तो यहां पर जो है उनको डराया धमकाया भी जाता है, इस तरह से यहां पर सब लिखा है। इन सब तमाम चीजों के बावजूद आंगनबाड़ी भी डिप्रेशन में जा रही है, ऐसे राशन से क्या फायदा जो स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करे। अगर यह बहुत जल्द राशन में सुधार नहीं हुआ तो जनता द्वारा बहुत बड़ा एक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो यहां पर बाल विकास वाले लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राहुल, इन्होंने कहा, हमें काफी महिलाओं से बात हुई, शिकायत मिली, जनता को राशन ही नहीं हर महीने मिल पा रहा है, योजनाएं निकालने से क्या फायदा कि फिर ऐसी सरकार का जो पब्लिक को टाइम से कुछ दे ही ना सके, कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक ये आवाज उठाई गई है राशन मामले में, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं खराब क्वालिटी का, तो कभी जो है मानक के अनुसार ना मिलना, जिससे लाभार्थी वंचित रह जाना। अब इन सब चीजों में आंगनबाड़ी बहनों को भी प्रॉब्लम, जिनको नहीं मिलेगा वो उनका सर पर जो आकर के अपना सारा जो है गुस्सा निकालेंगे, और ऐसे में बहने बेचारी परेशान होंगी। तो इसीलिए ऐसी जो कमियां है इनको ठीक किया जाए। अगर यहां पर अच्छी क्वालिटी का और सही मात्रा में राशन नहीं मिलता तो यहां पर आगे इस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। फिलहाल के लिए अच्छी मांग उठाई गई है, क्योंकि इस राशन की जड़ की वजह से बहुत सारी बहनें नौकरी को भी छोड़ना चाहती हैं, बस एक मेन कारण यही है, और इसके चलते ही बहनों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं भी करती है, उनके परिवार वालों को भी उसी में जो है करना पड़ जाता है। अब देखिए, यहां पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक खबर आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट खबर है। 10 और 11 सितंबर, 10 तो कल हो चुका, आज 11 सितंबर को पालमपुर में होगा आंगनबाड़ी यूनियन का राज्य स्तरीय सम्मेलन। तो वहां पर कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, आइए पहले उन पर बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन का राज्य स्तरीय जो सम्मेलन है वो 10 और 11 सितंबर को रोटरी भवन पालमपुर कांगड़ा में होगा। इसमें प्रदेश की 18,000 आंगनबाड़ियों में कार्यरत लगभग 36,000 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर, ये टोटल मिलाकर के है 18 आंगनबाड़ी 18 सहायिका। अब इन ये सबका नेतृत्व कर रही 200 से ज्यादा महिला नेत्री हिस्सा लेंगी। दो दिन चलने वाले सम्मेलन में सीटू के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता, आंगनबाड़ी के प्रदेश के नेता, वो सब वहां पर मौजूद रहेंगे। तो अब ये सम्मेलन को लेकर के बताया जा रहा जो कि वहां पर चल रहा है। सम्मेलन की अगुवाई यूनियन की जिला कांगड़ा इकाई करेगी। सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब देश और प्रदेश की सरकार जन विरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, जिससे आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, गिरती कमाई, जीवन यापन के बढ़ते खर्च से परेशान है। इस सबके मद्देनजर सम्मेलन में आने वाले समय से आंगनबाड़ी की लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन और तेज करने की रणनीति की रूपरेखा यहां पर तैयार की जाएगी। साथ ही साथ सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गठित स्वागत समिति के अध्यक्ष अशोक कटोच हैं। इन्होंने बताया कि सम्मेलन को लेकर के आंगनबाड़ी कर्मियों में भारी उत्साह भी है, और सम्मेलन में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं देने, न्यूनतम 21,000 रुपया वेतन देने, 45वें 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने, रिटायरमेंट और ग्रेजुटी देने के
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां पर आदेश दिए गए इनको लागू करवाने और नर्सरी टीचर के सारे पद आंगनबाड़ी के लिए आरक्षित करने। तो ये मुद्दा अच्छा है, नर्सरी टीचर के जितने भी पद हैं उन सब के लिए आंगनबाड़ी को आरक्षित किया जाए। तमाम लंबित बिलों के बकाए का भुगतान करने जैसी मांगों के अलावा महिलाओं पर बढ़ते हमलों पर रोक लगाने, दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा देने, महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने, इन जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। सम्मेलन में पिछले 3 साल के कार्यों की समीक्षा की जाएगी, यही सब चीजें हैं। अब यहां पर देखिएगा 33% ये संसद और यहां पर दुनियादारी में विधानसभा में पहुंचने के लिए क्या आंगनबाड़ी पहुंचेंगी, क्या बहनें चुनाव लड़ भी पाएंगी, क्या बहनों का उनका भला होगा? तो इसमें तो उनका कुछ नहीं, इसमें भला तो नेताओं का होता है जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो इधर उधर रहनुमा बने फिर रहे हैं। तो जिनको चुनाव लड़ने हैं जिन महिलाओं को, उनके लिए वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता बहनों के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं, क्या उन महिला के वहां पर हो जाने से क्या इन महिलाओं की दशा सुधर गई? आपके बाल विकास विभाग में ही न जाने कितनी महिलाएं रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, राज्य मंत्रियां हैं राज्यों में, क्या वो अपने राज्यों में क्या कुछ अच्छा कर पा रही हैं? यहां तक कि वित्त मंत्री भी जो निर्मला जी हैं वो भी महिला है। अब आप सोचो, वित्त मंत्री जो है वो भी आपकी महिला है, क्या वो ढंग का कुछ कर पा रही है? कहने का मतलब है महिलाएं हैं हर जगह पर, क्या जो है वो पहले कुछ कर पा रही है? वो खुद नहीं कर रही है, क्योंकि जो उस लेवल पर पहुंचता है ना इस नेता निगरी वाले कामों में, उसका पूरा सोच ही आगे चल के बदल जाता है। क्योंकि उधर जो जाता है वो भ्रष्टाचारी में ही जो है सोच करके जाता है, पहिया मोटा पोड़ा कमाना है बस, बाकी ये नहीं कि हमने जनता की सेवा करेंगे, हम जनता के लिए जा रहे हैं, ये बस दिखाने के ढकोसले होते हैं जनता का वोट लेने के लिए, ये कड़वा सत्य है। बाकी ऐसे मुद्दों को रखना आंगनबाड़ी के हक के लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि 33% महिलाएं वहां पर आरक्षित हो, फलाओ ढमकाओ, क्योंकि अरे जो है जो अच्छे पद पर हैं वही तो ढंग का करने ही नहीं है। अब बाकी से आप क्या उम्मीद करोगे? जो है पहले वही करके दिखा दें, केंद्रीय मंत्री को ले लो, राज्य मंत्रियों को ले लो, महिलाएं होकर के कुछ नहीं कर रही हैं। अब आप सोच सकते हो कि क्या लेवल है। तो इससे कुछ भला नहीं होगा, इससे उन्हीं का भला होगा जिनको चुनाव लड़ने हैं, वो जिनको वहां विधानसभा में पहुंचना है, अपना जो है यहां पर अपना भला देखना है, ये समझ लेना। बाकी जिनको लड़ना है वो अपनी मांगों को लेकर के हिसाब से लड़ेंगे जो उनको तुरंत मिले, ना कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करती चली जाए ऊपर तक। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से बहनों आगे बढ़ो। गवर्नमेंट ऑफ यूपी, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट किया कि जल्द खुलेंगे 91 प्राथमिक स्कूल। आईएएस मैटर पर भी देखते हैं, यहां पर 91 प्राथमिक स्कूल यूपी में खुलेंगे इसके बारे में जानकारी है। अब कौन कौन से जिलों में खुलेंगे पहले आप उस पर देख लो। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की भी मंजूरी के बाद यहां पर निर्देश जारी। अब लिखा है जिलों की संख्या, बहराइच में 33 खुलेंगे, बरेली में 1, बिजनौर में 1, बदायूं में 3 और चित्रकूट में 6, देवरिया में 1, फतेहपुर में 1, हापुड़ में 1, जौनपुर में 1, ललितपुर में 3, मऊ में 1, मिर्जापुर में 22, सीतापुर में 1, सोनभद्र में 14, वाराणसी में 2। तो इस तरीके से इन जिलों में इतने इतने जो है यहां पर क्या खुलेंगे, प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे, इसके बारे में बात आ रही है। अब इसमें देखिए यहां पर विजय किरण आनंद जो महानिदेशक है स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश में, उनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि नए विद्यालय निर्माण के लिए चिन्हित 15 जिलों को धनराशि के साथ ही निर्देश जारी कर दिया गया है, तेजी से निर्माण कराकर जल्द ही इसे पूरा भी कराया जाएगा। 10 वर्ष मिले सूबे को यहां पर स्कूल के लिए। अब इसमें देखो ये सब चीजें दी गई हैं। तो यहां पर इनका कहना है कि प्रदेश को नए विद्यालय पहले 2012 में मिले थे, ठीक, अब जो है 10 वर्ष बाद नए विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। राज्य से 300 विद्यालयों का प्रस्ताव भेजा गया था, उनमें से 91 को मंजूरी मिली है और ज्ञात हो कि 1 किलोमीटर की दूरी व 500 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर की दूरी पर 800 आबादी पर एक नया उच्च प्राथमिक खोला जा सकता है। इस तरह से कुछ इसके मानक होते हैं। तो इस हिसाब से ये चीजें निकल के आई, 91 प्राथमिक स्कूलों को यहां पर खोलने के लिए निर्देश है। तो अभी देखिए भाई, अच्छी बात है, स्कूल कॉलेज खुले, सुविधाएं बढ़े, बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर विकल्प मिल पाए, तो ये चीजें हैं। तो ज्यादा भटकना पड़ना पड़े इधर उधर। सुनीता देवी बहने जौनपुर से आती हैं, उनके द्वारा के फोटो भेजी गई। कुछ और भी बहने हैं, ये आती हैं सुजाता जो संभल जिले से, वहां से फोटो आई, और ये आती है मधु जो फतेहपुर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। और चलते हैं आगे, ये है सुधा बहन सिद्धार्थ नगर से, वहां से फोटो उन्होंने भेजी, और ये आती है सूरजकली रायबरेली से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। ये है माया बहन कौसाम्बी से, इनके द्वारा फोटो भेजी गई, और ये बहन आती है मुन्नी शाहजहांपुर से, इनके द्वारा फोटो भेजी गई। अब देखो हमने क्या किया है कि सोचा है सुधांशु पटेल चैनल पर जो आप सब बहनें क्या करती हैं, अपने केंद्रों के वीडियो पढ़ाई वाले जो बना करके भेजती हैं। बहुत सी बहनों के वीडियो में कोई देखो ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है, मतलब ना तो साफ होता है, दूसरी बात रिकॉर्डिंग ढंग की नहीं होती है, कोई जो है यहां पर ऐसे वर्टिकल में रिकॉर्ड करता है तो वो ढंग का नहीं दिखाई देता, और करते भी हैं तो यहां कैमरा हिला, वहां कैमरा हिला, कभी इधर फोकस कभी उधर फोकस,
एक जगह उनका फोकस नहीं रहता, कभी यहां एकदम जूम हुआ, कभी इधर ले गए, कभी उधर ले गए, ऐसे क्वालिटियां अच्छी नहीं होती। इसीलिए इन चीजों को हमने बंद कर दिया है। फोटो आपकी यहां पर प्रदर्शित हो रही, कर दी जाएंगी, लेकिन आप सबको लिए, आप सबके लिए सुधांशु पटेल चैनल पर एक वीडियो हम देते रहेंगे 10 बजे की खबरों वाला, उस पर कोई एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश किया करेंगे और उसके लिए एक वो वीडियो होगा, उस वीडियो को जरूर देखना, वहां पर जरूर आपको कुछ बेहतर मिलेगा। इन वीडियो की अपेक्षा जो यहां पर जैसे बहने भेज रही है उनकी अपेक्षा बेहतर आपको वहां पर एक न्यूज का वीडियो मिल जाएगा। और बाकी सुबह दोपहर शाम ऑल इंडिया पर आती है, तो सुबह दोपहर शाम ऑल इंडिया पर 3 देखिए और एक सुधांशु पटेल पर 10 बजे का देखिए, बढ़िया तरीके से। अब इन फोटो आपकी आई रही है, सविता बहन जो है यहां पर वाराणसी से आती, वहां से फोटो आई, बाकी वीडियो कोई देखता है नहीं, 1000-2000 लोग मुश्किल से देखते थे, वो भी स्टार्ट कर दिया, पता चला पूरा देखा ही नहीं, तो क्या फायदा उन वीडियो को यहां लेकर के आने का। अब सुशीला बहन गाजीपुर से, उनके वहां से देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, फोटो भेजी, कितना अच्छा लग रहा है यहां पर। और ये है रुक्मेश्वरी बहन अयोध्या से, उनके वहां से फोटो आई। इनके अलावा ये पूनम बहन जो कि उन्नाव से, उनके वहां से फोटो आई। और ये बहन है कौशल्या आजमगढ़ से, वहां से फोटो आई। इनके अलावा ये है उषा जो कि बलिया से, वहां से एक फोटो आई। और ये है विजयलक्ष्मी हरदोई से, इनके वहां से फोटो आई। इनके अलावा ये है नसरीन जो कि फरुखाबाद से, उनके द्वारा फोटो आई। और ये बहन है अर्चना शर्मा जो गोरखपुर से, वहां से फोटो आई। और ये है जिनका नाम है यहां पर ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, वहां से फोटो आई। सावित्री बहन है रायबरेली से, उनके द्वारा फोटो आई। और ये है अफसाना जो बहराई से, वहां से फोटो आई। तो इस तरह से आपने तस्वीरें देखी कोई बात नहीं, लेकिन बहनें वीडियो भेजती हैं और वीडियो में ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं रहती और ऊपर से लोग भी देखना पसंद नहीं करते, तो फायदा क्या उन चीजों पर ज्यादा टाइम जो है खराब किया जाए। इससे अच्छा है कि आपको कुछ और कुछ नया लेकर के आए, कुछ नया सिखाएं, कुछ नया बताएं, उस तरह के वीडियो पर हम फोकस दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी टाइम बचे तो आप भी जो है अपना अच्छा अच्छा कंटेंट देख पाएंगी। इसलिए जो है उस वीडियो वाले पोर्शन को वहां पर फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि अच्छी तरह के क्वालिटी के वीडियो पढ़ाई के नहीं मिलते, और मिलेंगे भी तो मान लो क्या, वही चीजें, वही जो है वहां पर एक्टिविटी आपकी, उसी तरह का जो भी कार्यक्रम, वही सेम टू सेम बार बार, कितनी बार कौन देखेगा, सबको याद हो गए वो चीजें, तो कौन देखेगा, इसीलिए अब वो ठीक नहीं है। ठीक, बाकी आपकी प्री प्राइमरी ट्रेनिंग वाला जो हम चला रहे हैं वो कार्यक्रम अच्छा है, उसके लिए जो है आप लोगों को हम शाम को एक वीडियो लाएंगे, उसको देखना आप। भाग 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है, भाग 1 पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें पूरी हो गई हैं, 8 वीडियो उसमें दे दिए। अब 9वां वीडियो जो आएगा आपका आज शाम को, वो आपका प्री प्राइमरी पर आधारित रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। उन चीजों को जरूर पूरा देखें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके, अच्छा ना लगे तब भी कोशिश करें, बहुत कुछ आपको सीखने को वहां से मिलता रहेगा। और वो आपको नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।